प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज प्रदेश दौरा में थे। धौलपुर में करौली धौलपुर लोकसभा खेतर सू भाजपा प्रत्याशी का समर्थन में जनसभा ने संबोधित करेला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज प्रदेश में चुनाव प्रचार करेला। बीकानेर लोकसभा खेतर रा अनूपगढ़ में चुनावी जनसभा ने संबोधित करेला। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद बीकानेर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन ने संबोधित करया। लोगा सू आम चुनाव में मतदान करवारी अरज करी। प्रदेश भर में आज गणगौर और त्योहार उछावरे साथ मनायो जा रही है। सुहागण मेला में ईसर गणगौर री पूजा करी है। जयपुर में सिंजिया ने गणगौर री शाही सवारी काढ़ी जावेला। और देश और प्रदेश में आज ईद उल फितर मनायो जा रही है। जयपुर री ईदगाह में बड़ी संख्या में रोजेदार ईद री नमाज अदा करी और मुबारकबाद दी। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है। समाचार अरे सागे मैं रचना पारिक और अब समाचार विस्तार सु। राजस्थान में सियासी पारो चढ़ियोड़ो है। भाजपा और कांग्रेस दोनों खास दल आपरा प्रत्याशारा चुनाव प्रचार में जुड़ियोड़ा है। इन क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेश दौरा माथे है। वे करौली धौलपुर लोकसभा खेतर माए भाजपा प्रत्याशी समर्थन माए करौली माए जनसभा ने संबोधित करेला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काल दौसा में भाजपा प्रत्याशी समर्थन में रोड शो करेला। आ जानकारी देता थका कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और प्रदेश सह प्रभारी भाजपा विजया राहटकर बताया कि प्रधानमंत्री पुराना बस स्टैंड से दोपहर 2:30 बजे रोड शो करेला जो गुप्तेश्वर सर्कल ताई वेलो। देखिए, राजस्थान की जनता अपने खुद के अनुभव से ये देख चुकी है कि राजस्थान में जिनको जिम्मेदारी दी पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार को, उन्होंने केवल और केवल स्वार्थ की राजनीति करी, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करा। अनेकों उदाहरण है, चाहे पेपर लीक हो, चाहे दुष्कर्म बढ़ने की घटनाएं हो, चाहे खनन माफिया हो, हर तरह से राजस्थान को, चाहे पीने का पानी ना पहुँचाने की बात हो, हर तरह से राजस्थान को बर्बाद करा। उसी तरफ दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल जो कार्यकाल, हर तरह से देश के अंदर विकास बढ़ा, देश की आर्थिक शक्ति बढ़ी। वो आर्थिक शक्ति गांव-गांव तक पहुंच रही है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से हो, चाहे विश्वकर्मा योजना हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, हर तरह से देश को संभालने का काम, किसान वर्ग हो, महिला वर्ग, महिलाओं को आगे बढ़ाने का, रिजर्वेशन वगैरह, चाहे युवा शक्ति हो, सबको संभालने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा। आने वाले 12 तारीख को दोपहर 2:30 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री दौसा में आएंगे और दौसा के जनता के साथ वो अपना रोड शो भी करेंगे। ये जो रोड शो है ये बस स्टैंड से शुरू हो जाएगा और वहाँ से चलते हुए जो गुप्तेश्वर दरवाजा है वहाँ पे इस रोड की समाप्त, रोड शो की समाप्ति हो जाएगी। इस रोड शो के लिए अभी से ही जनता का बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत उत्साह भी जनता के मन में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के सभी वर्गों को साथ लेकर जो विकास किया है, सभी लोगों को साथ जोड़कर सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास करते हुए देश को आगे बढ़ाया है। आज जयपुरा भाजपा मुख्यालय में कांग्रेस नेताओं समेत कई संगठनारा पदाधिकारी भाजपा की सदस्यता ग्रहण करी। कांग्रेस नेता विमल सारस्वत आमेर सू पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी ओम प्रकाश सैनी, जेडीए बार एसोसिएशन रा अध्यक्ष हनुमान सहाय शर्मा समेत कई अधिवक्ता भाजपा ज्वाइन करी। भाजपा नेता नारायण पचारिया बताया कि आज सब ने मोदी री गारंटी और भाजपा रा सबका साथ सबका विकास विजन में विश्वास वैरियो है। देखिए, आज आपने देखा होगा कि जयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, जेडीए के अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है।
और जब मैंने परिचय किया तो पता लगा कि विधि प्रकोष्ठ के लगभग सारे पदाधिकारी कांग्रेस के, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और स्पष्ट कहा है कि हमें मोदी जी में विश्वास है, मात्र एक ही तो नेता है जो इस देश को विकसित भारत बना सकता है और हमारा देश सुरक्षित इन्हीं के हाथों में रह सकता है। लोकसभा चुनाव प्रचार में तेजी रे साथ कांग्रेस रा बड़ा नेता भी प्रचार प्रसार में जुड़ी उड़ा है। लारला दिना कांग्रेस री आला नेता सोनिया गांधी भी जनसभा करी ही। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीकानेर लोकसभा क्षेत्र अनूपगढ़ में चुनावी जनसभा ने संबोधित करेला। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद बीकानेर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन ने संबोधित करिया। इन मौके केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सुमित गोदारा समेत स्थानीय भाजपा नेता मौजूद रिया। विदेश मंत्री कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में हर दृष्टि सु देश मजबूत सु आगे बढ़ रो है। वे कहा कि बीकानेर पर्यटन के साथ जैतून री खेती ने भी लेर देश अलग पिछाण बना रो है। इन मौके वे लोगों सु मतदान में सक्रिय भागीदारी निभावा ने कहा। और आज जो है देश की मांग है कि हर क्षेत्र से जितना देश मोदी जी के हाथ मजबूत कर सकता है ताकि हम अगले 25 साल जो हमारी जो यात्रा जो है अमृतकाल की यात्रा, ताकि हम सब मिलजुल के विकसित भारत बनाएं, इसमें यहाँ के लोगों का निर्णय, यहाँ के लोगों का दिल्ली अर्जुन राम जी को भेजना महत्वपूर्ण काम। अब ये चुनाव जो है, अगर हर पार्टी जो है अपनी मैनिफेस्टो तो निकालेगी, पर आप सब जानते हैं कि ये चुनाव पूरा देश अपना विश्वास प्रकट करेगा मोदी जी की गारंटी पर। और ये मोदी जी की गारंटी जो है, ये कुछ कहने की बात नहीं है, ये 10 साल के पिछले दशक का एक रिकॉर्ड कि अगर आप अलग अलग विषय में योजनाएं देखें, अभियान देखें, पानी का मामला हो या बिजली का हो या सड़क का हो या लोन लेने का हो या महामारी के समय में वैक्सीन मिलने का हो या जो जो राशन का जो जो अभी जो नई प्रक्रिया जो पिछले सालों में शुरू हुई है, तो मोदी की गारंटी भारत के पब्लिक ने देखा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा काल हनुमानगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा रा समर्थन में जनसभा ने संबोधित करिया। जनसभा में सांगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया, पीलीबंगा विधायक विनोद गोठवाल समेत स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद रिया। डोटासरा अपरा भाषण में केंद्र सरकार माथे संवैधानिक संस्थावां रा दुरुपयोग रो आरोप मांडिया। गंगानगर जीत रहे, चूरू जीत रहे, हम लोग झुंझुनू जीत रहे, हम लोग नागौर जीत रहे, हम लोग सीकर जीत रहे, हम लोग जयपुर ग्रामीण जीत रहे, हम लोग भरतपुर जीत रहे, दौसा जीत रहे, करौली जो सवाई दौसा सवाई माधोपुर है और करौली और धौलपुर है वो हम जीत रहे, तो अधिकतर सीटें, ज्यादातर एक दो में टक्कर है, बाकी सब जीत रहे। लोकसभा चुनाव रे तहत राजस्थान माए 25 सीटा खातर दो फेर माए चुनाव वेला। चुनाव माए प्रदेश रा कुन कुन सा मुद्दा रह वेला खास और काहे रह वेलो राजनीतिक समीकरण, देखा पूरो विश्लेषण डीडी राजस्थान रा जनादेश 2024 कार्यक्रम माए। लोकतंत्र के महापर्व की महाकवरेज है जनादेश 2024। इंटरेस्टिंग फाइट रहेगी, वो दोनों दलों को नुकसान पहुंचाएगा। आपको पता ही है कि कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकसभा चुनावों में इसका उनको फायदा मिलता दिख रहा है। क्या वो अपनी हैट्रिक लगा पाएंगे? किस पार्टी को नुकसान हो जाएगा कुछ पता नहीं। पार्टी को आदिवासी भी वोट मिलेंगे, बाकी को नहीं मिलेंगे। क्या कुछ जनता की समस्याएं हैं ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। अगर इतिहास की बात करें, राजस्थान की लोकसभा सीटों में अहम रोल रखती है। क्या कुछ बदलाव आपको नजर आया?
तैयार की गई हमारी इस रिपोर्ट में। सड़कों की मरम्मत की समस्या है, गंदा पानी है, खराब पानी पीना पड़ रहा है गाँव में, सिस्टम बिल्कुल खराब हो गया। समर्थन जुटाने के प्रयास का पूरा बिल्कुल बिल्कुल। और भी छोटी मोटी पार्टियां हैं, वो किस तरह से जो हिस्सा है वो दिखाएंगे। अच्छी छवि होने से ही वोट नहीं मिला करते। जी जीत हासिल, चौथी बार छवि है। राजस्थान रो प्रसिद्ध गणगौर त्यौहार आज प्रदेश भर में पारंपरिक तरीकाओं और छावरे साथे मनायो जा रही है। राजस्थान रा लोग खासकर महिलावां इन त्यौहार ने देश और विदेशा में खास उछावरे साथे मना रहा है। राजधानी जयपुर में घर घर माए सुहाग रो त्यौहार गणगौर माथे शिव पार्वती रा रूप में ईसर गणगौर री पूजा अर्चना करी जा रही है। आज ही दिन जयपुर में गणगौर शाही सवारी काढ़ी जावेला सिटी पैलेस होर या सवारी चौगानी स्टेडियम ताई परंपरागत लवाज मारे साथे काढ़ी जावे है। गणगौर सवारी देखबा खातर देशी विदेशी सैलानी चार दीवारी हल्का माए जुट रिया है। उदिल फितर रो त्यौहार प्रदेश भर माए मनायो जा रियो है। इन मौके जयपुरा ईदगाह माए ईदरी नमाज अदा करी गई, जिनमें बड़ी संख्या माए अकीदतमंद नमाज पढ़ी और एक दूजा ने गला लगार मुबारकबाद दीनी। मीठी ईदरा नाम सु जानिया जावा वाला इन त्यौहार माथे मुस्लिम धर्मावलंबी रा घरा माए सेवैया री खीर साथे दावत दी जा रही है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभरा असर चालता लारला 24 घंटा रे दौरान कई ठोरा माथे धूल भरी आंधी रे साथे हल्को में बरस रियो है, जिनसो हल्कारा मौसम में 2-3 डिग्री सेल्सियस री कमी दर्ज करी गई। मौसम विभाग रे मुजब आवता 24 घंटा रे दौरान यो असर बन्यो रह सके है। राजधानी जयपुर में हालांकि आसवारे तेज धूप खिली, पर तापमान में हल्की नरमी दर्ज करी गई, जिनसो लोगों ने राहत मिली है। और अब आखिर में खास खबरां एकर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश का दौरा माथे धौलपुर माए करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रा समर्थन माए जनसभा ने संबोधित करेला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज प्रदेश माए चुनाव प्रचार करेला। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र रा अनूपगढ़ माए चुनावी जनसभा ने संबोधित करेला। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद बीकानेर माए प्रबुद्ध जन सम्मेलन ने संबोधित करिया, लोगा सो आम चुनाव माए मतदान कर बारी अर्ज करी। प्रदेश भर में आज गणगौर त्यौहार उछावरे साथ मनायो जा रियो है। सुहागण महिलावां ईसर गणगौर री पूजा करी है। जयपुर में सिंजा ने गणगौर री शाही सवारी काढ़ी जावेला। और देश और प्रदेश में आज ईद उल फितर मनायो जा रियो है। जयपुर री ईदगाह में बड़ी संख्या में रोजेदार ईद री नमाज अदा करी और मुबारकबाद दी। इनरे साथे ही समाचार आरो यो बुलेटिन अठई पूरो वियो। नमस्कार।